मकदम, ये बताइए कि ये जो इंतजामी कार्रवाई आप लोगों ने शुरू की है आज, इसका मुद्दा मकसद क्या है और ये ड्राइव जो है किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने शुरू किया? जी, ये जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव आप देख रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है। इनिशियली हमने ये स्टार्ट किया है कि एज पर द हाईकोर्ट डायरेक्शन जो वो केस चल रहा है ऑनरेबल हाईकोर्ट में, तो उसी के मुताबिक हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें स्पेशल डायरेक्शन एक आई थी कि ये जो आप यहाँ से शुरू कीजिए, तो हमने यहाँ से शुरू किया है। इंशाल्लाह ये आगे भी जारी रहेगा जब तक ना हम तमाम इरीगेशन कूलर्स को इससे खाली करवाएंगे, तब तक हम नहीं बैठेंगे। तो इंक्रोचमेंट जो हुआ है, जोर साहब आपने अच्छा क्वेश्चन किया, ये जो इंक्रोचमेंट हुई है ये स्टेप बाई स्टेप पिछले पता नहीं कहाँ कब से हो रही थी, लेकिन अब ये आगे हम रुका रहे हैं और इसको होने नहीं देंगे, और जो पिछला हुआ है उसको भी स्टेप बाई स्टेप उठाया जाएगा। लोगों को मैसेज है, जैसे हमारे लिए सड़क ज़रूरी है, जैसे हमारे लिए बिजली पानी ज़रूरी है, इसलिए इसी तरह हमारे ये कूलर्स जो है इनको भी खुला रखें, ताकि हमारा ज़राअत बागवानी जिस पर हमारा इन्हिसार है वो भी ज़िंदा रहे और हम भी अच्छा ड्राइव चल रहा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमारा भरपूर साथ रहा है, जिसमें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट, उनका भी जिक्र है, वो भी साथ साथ है, और अगर और किसी का भी हमें बिजली का पड़े ज़रूरत तो वो उनको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। All stakeholders are here to make the program successful.